Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today I'll teach you class 11th English chapter Silk Road, written by Nick Middleton. तो ये बहुत interesting chapter है, though I know that ये जो हमारी NCERT है ना उसमें बहुत lengthy लगता है हमारे को, तो इसलिए हम अपना interest इतना नहीं दिखा पाते हैं chapter में. But no, आज मैं आपको ये chapter बहुत ही interesting way में पढ़ाने वाली हूँ. काफी interesting chapter है, ऐसा लगेगा आप लोग जो है Mount कैलाश की यात्रा पे जा रहे हो, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको इस chapter को पढ़ते हुए. Because ये जो chapter है इसमें जो हमारे author है ना, नाम क्या है उनका, Nick Middleton. ये उनका ना खुद की life का एक experience है जो उन्होंने इस chapter में हमारे साथ share करा है. क्या है कि निक मिडिलटन ना एक फिजिकल ज्योग्राफर है और इनको अलग अलग कंट्रीज में घूमने का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है. ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्रीज में घूमते हैं. ऐसे ही एक बार इन्होंने माउंट कैलाश पे ये गए थे कोरा परफॉर्म करने के लिए. ना माउंट कैलाश तो आप सबको पता होगा, कैलाश पर्वत. अब ये कोरा क्या होता है, तो देखो टिबेटियन, ठीक है, तिब्बत में जो है ये एक तरीके की एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है. जैसे पिलग्रिमेज होती है ना हमारे यहाँ पे, हम तीर्थ यात्रा पे जाते, तो वैसे ही टिबेटियन एंड जो ये टिबेटियन बुद्धिस्ट होते हैं इसमें ये एक टाइप की स्पिरिचुअल डीड है. दैट क्या करते हैं लोग जो है माउंट कैलाश जो है उसके आसपास में परिक्रमा करते हैं. ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, कोरा. तो जो हमारे ऑथर है उनका भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो वो भी डिसाइड करते हैं कि वो माउंट कैलाश जाएंगे कोरा परफॉर्म करने के लिए, यानी कि माउंट कैलाश की परिक्रमा करने के लिए, जैसे टिबेटियन बुद्धिस्ट करते हैं. तो वही उन्होंने इस चैप्टर में बताया है कैसे वो जो है माउंट कैलाश पहुँचते हैं, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें देखनी पड़ती है, क्योंकि माउंट कैलाश क्या है, पहाड़ों पर से जाना पड़ता है आपको वहाँ पर, तो हमेशा पहाड़ी इलाके में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आप फेस करो ही, कभी ढलान आती है, कभी खाई आती है, कभी बर्फ जमी होती है. ठीक है, तो जो कुछ भी वो देखते हैं, जो कुछ भी वो फील करते हैं, वो सब उन्होंने हमें इस चैप्टर में समझाया है. और आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे आपको खुद ऐसा लगेगा जैसे कि आप ऑथर के साथ ड्राइव करके जो है कहां जा रहे हो, माउंट कैलाश जा रहे हो. तो जल्दी से मैं आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देती हूं, बट पहले चैप्टर का नाम को समझ लेते हैं. चैप्टर का नाम है सिल्क रोड. भाई ऑथर जा तो रहे हैं माउंट कैलाश, नाम रख दिया सिल्क रोड, भाई ऐसा क्यों है. तो सिल्क रोड आई होप तुम सबको पता होगा, क्योंकि हमें जो है 6th, 7th, 8th में पढ़ाया गया था सिल्क रोड के बारे में. सिल्क रोड क्या है, सिल्क रोड एक ट्रेड रूट है जो हमारे ईस्ट एंड वेस्ट को ज्वाइन करता है. तो ये जो हमारे ऑथर है, ये जो एक्सपेडिशन के लिए जा रहे हैं माउंट कैलाश पे, ये सिल्क रोड से होते हुए जाएंगे सिल्क रोड के पास की जगहों से. तो मतलब कि इसलिए उन्होंने इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया, सिल्क रोड. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन. और जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो ऑथर हमें जो है एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं रावू से, रावू से वो निकलते हैं, तो उस समय बहुत ही ज्यादा अच्छा सा मौसम हो रखा होता है. एक फ्लॉलेस हाफ मून होता है आसमान में, यानी कि आसमान में हाफ मून होता है, ब्लू स्काई होता है बिल्कुल मॉर्निंग में, एंड वो है गुड बाय करते हैं सबको. एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोज. तो यहाँ पे ऑथर ना हमें आसमान का बता रहे हैं, आसमान कैसा है. वो कहते हैं आसमान में पता है बादल कैसे है, फ्रेंच लोज जैसे. तुमने सबवे के बर्गर वाली ब्रेड देखी है ना, वो लंबी वाली, हाँ बिल्कुल वैसे वैसे बादल है आसमान के अंदर, और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है. एंड इनफैक्ट जो आसमान है उसमें कलर का शेड होता है आसमान में, रोज मतलब आसमान में ना थोड़ा गुलाबी गुलाबी सा पिंक सा शेड होता है. तो कई बार ऐसा होता है आसमान में जब धूप निकल रही होती है पहाड़ों की वाली जगहों से ना, तो एक ऐसा सा इफेक्ट लग जा बन जाता है दैट हमें आसमान पिंक सा दिखाई देने लगता है. आई होप आप लोगों ने भी कभी ना कभी नोटिस करा, दिस इज़ वेरी नेचुरल. तो हम लोगों ने भी देखा आसमान पिंक सा होता है, ऐसे यहाँ फोटो में भी आप देख सकते हो आसमान बढ़िया, मौसम सुहाना, और हमारे ऑथर निकल रहे हैं रावू से कहाँ जाने के लिए, माउंट कैलाश की यात्रा पे. ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते क्या होता है. तो ऑथर बताते हैं लामो मुझे कहती है रुको रुको मुझे आपको जाने से पहले एक फेयरवेल का प्रेजेंट देना है. लामो कौन है, लामो एक लड़की है. दो ऑथर का रिलेशनशिप उसे डिफाइन नहीं करा गया है कि वो मतलब कि लामो की फ्रेंड है क्या है, कुछ नहीं बताया गया. बस ऑथर बताते हैं कि लामो मुझे कहती है कि मुझे जाने से पहले आपको फेयरवेल गिफ्ट देना है. तो अब फेयरवेल गिफ्ट प्रेजेंट समझ गया ना, गिफ्ट. अब देखो वो लामो फेयरवेल गिफ्ट क्यों दे रही है ऑथर को. तो देखो आप लोगों ने भी देखा होगा जैसे अगर कभी हम कोई हमारे यहाँ से जा रहा होता है, ठीक है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, तो हम भी उनको जो है जाने से पहले फेयरवेल गिफ्ट देते हैं. जैसे जाने के लिए कुछ कभी टॉफीज दे देते हैं कि ये रास्ते में खा लेना, या कुछ एनीथिंग वी गिफ्ट देम, या कुछ खाने का सामान दे देते हैं कि ये रास्ते में खा लेना जो उनको रास्ते में काम आएगी, या बाय करने से पहले हम कई बार जैसे आपके घर से कभी रिलेटिव जाते हैं तो पैसे देके जाते हैं आपको फेयरवेल गिफ्ट. ठीक है, तो वैसे ही लामो कहती है ऑथर को जाने से पहले दैट मुझे आपको एक फेयरवेल गिफ्ट देना है. तो ऑथर हमें बताते हैं कि वन इवनिंग, यानी कि शाम को ही मैंने डैनियल को बोला था लामो को बताने के लिए कि मैं जा रहा हूँ माउंट कैलाश की यात्रा पे, तो इसलिए आज वो मुझे मेरा प्रेजेंट देने के लिए आ गई है. तो ऑथर ने, अब तुम्हें ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी कि डैनियल को बोला लामो को बताने के लिए, कंफ्यूज मत हो ऑथर, बस हमें ये बता रहे हैं कि जो उनके फ्रेंड है डैनियल, उन्होंने लामो को बताया था कि ऑथर माउंट कैलाश के लिए जा रहे हैं, तो लामो आ गई है ऑथर को गिफ्ट देने के लिए. ठीक है, जैसे तुमने अपने फ्रेंड को कहा होगा कि भाई उसको बता दियो मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ, तो तुम्हारा वो वाला फ्रेंड आ गया है तुमसे जाते जाते मिलने के लिए. ठीक है, तो ऑथर बताते हैं मैंने डैनियल को बोला था कि मैं माउंट कैलाश जा रहा हूँ कोरा परफॉर्म करने, तो इसलिए
लामो आई है मेरे पास और वो मुझे कह रही है दैट उसे मुझे कुछ गिफ्ट में देना है, और गिफ्ट में क्या देना है उसको, वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े देने, क्योंकि माउंट कैलाश की यात्रा पे जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ बहुत ठंड होने वाली थी। तो लामो अपने टेंट में जाती है और वहाँ से एक शीप स्किन का कोट निकाल कर आती है, लॉन्ग यानी कि पूरी बाजू वाला शीप स्किन का कोट लेकर आती है और वो गिफ्ट कर देती है हमारे ऑथर को। अब जो है हमारे ऑथर वो कोट पहन लेते हैं, और जैसे ही वो कोट पहनते हैं तो ऑथर का जो ड्राइवर है जिसका नाम है सेटन, ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हम पढ़ते रहेंगे इस नाम को सेटन। तो जो जैसे ही जो ऑथर है वो शीपस्किन का कोट पहन लेते हैं तो वो जो है सेटन ऑथर की तारीफ करता है और कहता है कि आप बिल्कुल ड्रॉगबा जैसे लग रहे हो ना। और ड्रॉगबा कौन होते हैं, तो देखो जहाँ ये लोग जा रहे हैं ना यात्रा करने के लिए माउंट कैलाश पे, वहाँ पे जो है रास्ते में काफ़ी सारी ऐसी जगह आएगी जहाँ पे ड्रॉगबाज रहते हैं। ड्रॉगबा मतलब टिबेटियन लैंग्वेज में नोमैड्स को ड्रॉगबा कहते हैं। नोमैड्स होते हैं ना, अलग अलग नोमैडिक ट्राइब्स होती है, यानी कि बंजारू की ट्राइब्स जो होती है उनको टिबेटियन लैंग्वेज में ड्रॉगबा कहते हैं। वो अलग तरीके के गरम गरम कपड़े पहनते हैं, उनके पास अपने डॉग्स होते हैं और वो वहीं उन्हीं इलाकों में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही जो ऑथर है ऐसा कपड़े पहन देते हैं शीप स्किन के कोट वाला, तो जो है सेटन कहता है कि सर आप भी बिल्कुल एक ड्रॉगबा जैसे लग रहे हो। जैसे हम कहीं पहाड़ी इलाकों में जाते हैं अगर उनकी ड्रेस पहन ले तो हम भी उनके जैसे लगते हैं ना, वैसे ही ऑथर जब वो शीप स्किन का कोट पहनते हैं तो उनका जो ड्राइवर होता है वो क्या कहता है, सर आप बिल्कुल ड्रॉगबा जैसे लग रहे हो। तो अब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, राबू से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। कौन कौन जा रहा है गाड़ी में, पहले ये ध्यान रखो, गाड़ी में ड्राइवर है जिसका नाम है सेटन, ऑथर है जिनका नाम है निक मिडिल्टन, और ऑथर के फ्रेंड है जिसका नाम है डैनियल। तीनों निकल पड़े माउंट कैलाश के लिए, ठीक है। अब वो बताते हैं कि हम शॉर्टकट लेते हैं चैंगटन से, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो ये ड्राइवर है ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इसको कुछ कुछ शॉर्टकट्स पता है, तो ये चैंगटन से एक शॉर्टकट ले लेते हैं माउंट कैलाश के लिए। और ऑथर बताते हैं कि मुझे जो है उसने बताया, मेरे ड्राइवर ने, सेटन ने, कि अगर रास्ते में ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता इन्होंने लिया है, अगर इन्हें रास्ते में बर्फ़ नहीं मिलती है तो ये बहुत आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे, बट अगर बर्फ़ मिलेगी तो इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऑथर पूछते हैं कि कितने चांसेस है बर्फ़ मिलने के, तो वो कहता है सर ऐसे मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, वो तो हमें वहीं जाके पता चलेगा कि वहाँ पे बर्फ़ हमें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो ऑथर बताते हैं फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राबू, यानी कि राबू तो एक हिली एरिया था, तो जैसे जैसे हम राबू से बाहर आए तो एक प्लेन एरिया आ जाता है। तो जब भी अगर आप कभी किसी माउंटेन एरिया पर घूमने जाओगे तो ऐसा नहीं है हमेशा पहाड़ी आते रहेंगे, बीच बीच में प्लेन आ जाता है, जैसे हम प्लेन आता है कभी पहाड़ी लगाता है कभी प्लेन आ जाता है, तो वैसे ही ऑथर बताते हैं कि राबू पे तो हिल्स थी, जेंटल हिल्स थी, अब बिल्कुल एक प्लेन यानी कि एक मैदान आ गया है। और जैसे ही वो उस मैदान में एंटर करते हैं सबसे पहले उन्हें दिखते हैं गजेल्स। गजेल्स क्या होते हैं, डियर, हिरन दिखते हैं उनको, ठीक है। और वो हिरन क्या कर रहे थे, सूखी घास खा रहे थे और घास खा के एकदम से गायब हो रहे थे वॉइड में, यानी कि वो घास खा के एकदम से दिखने बंद हो जाते थे, इधर उधर चले जाते थे। तो ऑथर बताते हैं आगे जब हम मूव करते हैं तो हमारे को ना, अब पहले तो घास घास दिख रही थी सूखी सूखी, अब थोड़ा सा स्टोनी सा एरिया आ जाता है, पथरीला सा इलाका आ जाता है, और वहां पे झुंड होता है किसका, वाइल्ड एस का। वाइल्ड एस क्या, जंगली डोंकीज का एक झुंड था, और जंगली डोंकीज को यानी कि वाइल्ड एस को टिबेटियन लैंग्वेज में बोला जाता है क्या, कियांग। तो सेटन बोलता है कि सर एक बड़ा सा झुंड आ रहा है हमारी तरफ कियांग का, और ये बहुत पहले से आ रहा है, मेरे को पहले से पता चल गया था क्योंकि सामने से धूल उड़ती हुई आ रही थी, क्या धूल उड़ती हुई आ रही थी, धूल मिट्टी डस्ट उड़ती हुई आ रही थी। तो बेसिकली ये जो कियांग थे यानी कि ये जितने सारे वाइल्ड एस थे ना, ये क्या कर रहे थे, जैसे जैसे ऑथर उनके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत बड़ा झुंड होता है इन वाइल्ड एसेस का, और ये क्या कर रहे थे, कूद रहे थे, और बहुत सारे इकट्ठे मिलके ऐसे झुंड में चल रहे थे, कूद रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि एक टाइप की ड्रिल परफॉर्म कर रहे हो। तभी ऑथर ने बोला, आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग इन माजेस, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनूवर्स। तो ऑथर कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने इन गधों के झुंड को देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा ये कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे जो है मूवमेंट कर रहे थे ये एक दूसरे के साथ में, कभी व्हील मार रहे थे कभी टर्न कर रहे थे, और जैसे ये जो इतनी कूद फान कर रहे थे उसकी वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी उड़ रही थी, समझ गए, जब ये उस मिट्टी वाले इलाके में कूद रहे थे तो बहुत सारी मिट्टी उड़ रही थी। तो उसको भी ऑथर ने बताया है, प्ल्यूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर। तो यानी कि जब जब वो कूद फान कर रहे थे सारे के सारे वो डोंगीज, तो उसकी वजह से बहुत सारी मिट्टी उड़ रही थी पूरे के पूरे आसमान के अंदर, जिसने क्लीन एयर को क्या कर दिया था, बिल्कुल ही डस्टी सा कर दिया था। तो अब भैया ऑथर आगे बढ़ते हैं और फिर से हिली एरिया शुरू हो जाता है। तो आप समझ गए, कभी प्लेन इलाका आएगा कभी हिलाएगी, कभी प्लेन इलाका आएगा कभी हिलाएगी, अब फिर से हिली एरिया स्टार्ट हो जाते हैं। और ऑथर बताते हैं कि अब रॉकी वाइल्डर इसको तो हम पार कर गए थे, यानी कि वहां पे जहां वाइल्ड एज मिले और वो रॉकी प्लेन्स को हम पार कर गए थे, अब हमको पता है कौन मिलने शुरू हो गए थे, अब हमें सॉलिट्री ड्रॉगबास मिलने शुरू हो गए थे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिट्री, सॉलिट्री मतलब अकेले, यानी कि उनको कभी एक ड्रॉगबा दिख रहे हैं कभी दूसरे ड्रॉगबा दिख रहे हैं, कभी वो मेल है कभी फीमेल है, ड्रॉगबा आप समझ गए नोमैडिक पीपल, तो उनको जो है अलग अलग लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड आप एग्जांपल इनका ये लग सकते हो, फोटो मैंने यहां लगाई है, तो ये जो ड्रॉगबास थे समटाइम्स दे वर मेन समटाइम्स वुमेन, एंड वो अच्छे तरीके से रैप हो रखे थे कपड़ों में, यानी कि
बहुत ठंड थी तो इसलिए उन्होंने अच्छे से कपड़े पहन रखे थे अपने आप को गर्म रखने के लिए, और जैसे ही वो अपनी गाड़ी उनके पास से निकाल के लेके जाते थे तो ये जो डॉगबास थे ये ऑथर को हाई कर देते। तो इससे आप समझ सकते हो कि डॉगबास काफ़ी फ्रेंडली नेचर के थे, तो उनके सामने से जब ऑथर की गाड़ी जाती थी तो वो हाई करते थे, ठीक है। और ऑथर बताते हैं कि जैसे ही हमारी गाड़ी उनके किसी शीप के क्लोज चली जाती थी तो वो एकदम से डर के भाग जाती थी। अब आगे ऑथर हमें बताते हैं कि जैसे जैसे वो पास करते रहते हैं इस एरिया को जहाँ पर डॉगबास रह रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे नोमैड्स के टेंट्स आते हैं। नोमैड्स के टेंट्स मतलब वही डॉगबास के टेंट्स आते हैं। ये लोग ना टेंट लगा के कहीं भी कुछ समय के लिए रहना शुरू कर देते हैं, इनकी अपनी कम्युनिटी होती है, ये ज़्यादा दूसरे लोगों से इंट्रैक्ट नहीं करते, तो नोमैड्स के टेंट्स आने शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े ब्लैक कलर के नोमैड्स के टेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे एक अलग सी चीज़ हुई इनके ऑथर ने देखी, दैट ये जो नोमैड्स थे इनके टेंट्स के बाहर हमेशा एक डॉग बैठा होता है जिसका नाम क्या है, टिबेटियन मैस्टिव। आई होप कि जितने भी डॉग लवर्स हैं उन्होंने इस टिबेटियन मैस्टिव डॉग के बारे में हमेशा सुना होगा या देखा होगा। जैसे ही वो यहाँ नोमैड्स के इलाके में एंटर करें ना, जहाँ पे नोमैड्स के टेंट लगे हुए थे दूर दूर पे, तो बता रहे थे कि हर एक नोमैड के टेंट के बाहर में टिबेटियन मैस्टिव बैठा हुआ था। एंड टिबेटियन मैस्टिव उन लोगों ने क्यों रखे हुए थे, टिबेटियन मैस्टिव उन लोगों के लिए गार्ड का काम करता था, गार्ड डॉग का काम करता था। तो ऑथर बताते हैं कि जैसे ही उनका व्हीकल जो है उनके टेंट के पास में से निकलता था तो दीस बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आर अप्रोच एंड फिक्सस इन देयर साइट। तो जैसे ही इतने ज्यादा अलर्ट हो जाते थे ये टिबेटियन मैस्टिव, इतने ज्यादा गार्ड करते थे अपने जो है नोमैड्स के घरों को यानी कि उनके टेंट्स को, दैट जैसे ही ऑथर बताते थे कि मैं किसी भी टेंट के पास से हमारी गाड़ी आने वाली होती थी तो ये डॉग्स पहले ही अलर्ट हो जाते थे कि अच्छा भैया कोई व्हीकल आ रहा है। और जो है क्या करते थे ये टिबेटियन मैस्टिव, जब तक पीछे पीछे भागने लगते थे ऑथर की गाड़ी के, और जब तक उस प्रॉपर्टी में से यानी कि जो नोमैड की प्रॉपर्टी थी यानी जहां पे उसका टेंट था उसके आसपास के एरिया से जब तक भगा नहीं देते थे ऑथर की गाड़ी को, तब तक उनका पीछा करते रहते थे। तो समझ गए कि ये टिबेटियन मैस्टिव डॉग्स तो थे एक गार्ड की तरह काम करते, जैसे हमारे यहां पे भी अगर किसी बच्चे के घर में अगर पेट डॉग होगा तो उन्हें पता होगा कि अगर कोई स्ट्रेंजर आता है तो हमारा डॉग हमें पहले ही बता देता है कि भौंक भौंक के कि कोई आया, और उनको पसंद नहीं होता कि कोई स्ट्रेंजर हमारे घर में एंटर करे। तो वैसे ही ये टिबेटियन मैस्टिव एक बहुत ही पर्टिकुलर गार्ड डॉग्स का काम करते थे, अगर कोई भी अननोन आता था उनके टेंट के पास में तो वो उन्हें भगा देते थे वहां से, ठीक है। तो आप यहां देख भी सकते हो, एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर दे वुड एक्सप्लोड इन टू एक्शन। जैसे ही वो उस टिबेटियन मास्टर के पास तक जाते थे थोड़ा सा, तो वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाता था, स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स, भाग के उनके पास आता था लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन। तो आप देख रहे हो वो कितने फास्ट थे, उसको कंपेयर किससे करा टिबेटियन मास्टर की स्पीड को डॉग हमारे ऑथर ने, फ्रॉम अ लाइक बुलेट फ्रॉम अ गन, ठीक है। एंड वो कहते हैं दीज शैगी मॉन्स्टर्स, तो आप ये एडजेक्टिव्स को लिखते रहो, पहले ऑथर ने टिबेटियन मास्टर को बीस्ट बोला और अब क्या कह रहे हैं शैगी मॉन्स्टर, कह रहे हैं कि इतने ब्लैक थे, डार्कर नाइट, डार्कर देन नाइट। तो बेसिकली जितने भी नोमैड्स थे उनके पास ब्लैक वाले टिबेटियन मास्टर थे। आई थिंक ये और कलर्स में भी होते हैं, बट जो जितने भी नोमैड्स थे उनके पास ब्लैक टिबेटियन मास्टर थे, और बहुत ही बड़ा बड़ा इनके फर थे, रेड कलर का इन्होंने कॉलर पहन रखा था, तो डिस्क्रिप्शन आप याद रखना। तो ऑथर ने ये हमें बताया उनका इनकाउंटर विद द टिबेटियन मास्टर, तो वो कह रहे थे कि ये बहुत ही फियरलेस डॉग है, ये हमारे व्हीकल का पीछा तब तक करते थे जब तक हम उस प्रॉपर्टी में से जो है बाहर ना निकल जाए। 100 मीटर तक इन्होंने हमें चेस करा और हमें बाहर निकाला उस प्रॉपर्टी में से, ठीक है। तो आगे ऑथर ने हमें ये बताया जब उनका ऐसा इनकाउंटर हो टिबेटियन मैस्टिव के साथ, उन्होंने देखा है कितने फिरोशियस एंड कैसे गार्ड डॉग है, तो ऑथर कहते हैं मुझे कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है सोच के। वो हमें एक एंशियंट फैक्ट बताते हैं यानी कि पुराने जमाने का एक फैक्ट बताते हैं कि पहले जमाने में तिब्बत से इन डॉग्स को टिबेटियन मैस्टिव को चाइना ले जाया जाता था वहाँ की इंपीरियल कोर्ट्स में हंटिंग डॉग बनाने के लिए। तो वो कह रहे हैं अब मुझे कोई मतलब सरप्राइज नहीं हो रहा है ये बात सोच के कि इन डॉग्स को हंटिंग डॉग की तरह इंपीरियल कोर्ट्स में यूज़ करा जाता था भाई, बिकॉज ये है ही इतने फिरोशियस, ये है ही इतने चौकन्ने गार्ड करने वाले डॉग, दैट इनको हंटिंग डॉग्स की तरह चाइना ले जाया गया होगा। तो आगे पढ़ते हैं, अब हमारा जो है टिबेटियन मैस्टिव्स के साथ एनकाउंटर कंप्लीट हो गया है ऑथर का। आपने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अभी हमने वो लामों को बाय बोल चुके, उन्होंने शीपस्किन का कोट पहन लिया, फिर उन्होंने रास्ते में डियर देखे, फिर वाइल्ड एस देखे, फिर टिबेटियन मैस्टिव देखे, नोमैड्स को भी हाई करा था, एंड अब ऑथर आ गए हैं कहाँ पे, वो कह रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़े अब हमें होराइजन पे यानी कि दूर पर जो है स्नो कैप माउंटेंस यानी कि बर्फीले पहाड़ देखने शुरू हो गए थे। और अब ऑथर एंटर करते हैं एक वैली में। वैली में क्या होती है, रिवर होती है, और वो रिवर जो थी क्या थी, जमी हुई थी बिल्कुल बर्फ से। तो ऑथर बता रहे थे कि यहाँ लिखा है द रिवर वो मोस्टली क्लॉक्ड विद आइस, यानी कि रिवर इतनी ठंड में जो थी जम चुकी थी, और जैसे ही उस रिवर पे धूप पड़ रही थी तो वो चमक रही थी। आपने कई बार देखा होगा किसी मूवी में आइस स्केटिंग वगैरह जिस पे लोग कर लेते हैं ना, ठीक है। तो वो क्या होता है दैट जो वो रिवर होती है वो जम जाती है, ठीक है। और कहीं हमने मूवीज़ में ऐसे बहुत डरावने से सीन भी दिखे हैं, रिवर जमी हुई होती है, पैर पड़ जाता है, लोग उसके अंदर गिर जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वैसा था ही, तो रिवर थोड़ी बहुत जम रखी थी और उस पर धूप पड़ रही थी तो वो बहुत शाइन मार रही थी, ठीक है।
तो ऑथर आगे बताते हैं दैट धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और जो है वैली साइड अप क्लोज होने लगती है, यानी कि वैली खत्म होने लगती है, रिवर वाली जगह खत्म होने लगती है और अब जो है टर्न्स बिकेम शार्पर एंड राइट बिकेम बम्पियर. अब टर्न्स बिकेम शार्पर मतलब इतना तो आपको पता होगा कि पहाड़ी रास्ता ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है, पहाड़ पे ऐसे गोल गोल घूम घूम के जाना पड़ता है. तो ऑथर बता रहे हैं अब टर्न्स बहुत ही ज़्यादा शार्प होने लग गए थे, एक साइड खाई थी बहुत शार्प और राइड बम्पियर यानी कि बहुत ही खतरनाक से अब हमारी राइड बनने लग गई थी. ठीक है, तो आगे वो लोग मूव करते हैं तो ऑथर बताते हैं कि मेरा जो वो ड्राइवर था द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर. आईसी रिवर से अब हमारा ट्रैक आगे चला गया था एंड टेस्टिन नाउ इन थर्ड गियर. तो वो गाड़ी थर्ड गियर में चला रहा था और बहुत स्टीपर स्लोप, स्टीपर स्लोप मतलब खड़ी खड़ी ढलाने आने लग गई थी और जो है वो खड़ी ढलाने, अब आपने ढलान अगर देखी हो तो कैसी होती है, एक साइड पे खाई होती है, बीच में रास्ता होता है और इधर पहाड़ों के पत्थर होते हैं. तो ऑथर बताते हैं वो जो पहाड़ों के पत्थर थे उस पर ऑरेंज लिकेंस उगे हुए थे छोटे छोटे पैचेस में. तो पूरा ऑथर हमारे को इमेजिन करवाने के लिए सब बता रहे हैं कि एक साइड खाई थी, स्टीपर स्लोप्स थे, यहाँ पे पहाड़ के पत्थरों पे ऑरेंज लिकेंस उगे हुए थे, सो दैट हम इमेजिन कर पाए उनकी जर्नी को भी उनके साथ में. तो आप ये याद रखना दैट पहाड़ों जो स्टीपर स्लोप्स के पहाड़ थे उस पर कौन से वाले लिकेंस उगे हुए थे, ऑरेंज कलर वाले. ठीक है, तो आगे मूव करते हैं. अब ऑथर हमें बताते हैं दैट वो आगे जब जा रहे होते हैं तो बिनेक द रॉक्स हंक्स ऑफ स्नो क्लंग इन द नियर परमानेंट शेड आई फेल द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई हेड. तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे होते हैं तो ऑथर को अपने हेड में प्रेशर, जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड पर जाओगे यू विल फील प्रेशर और उनकी नोज में भी उन्हें प्रेशर महसूस होता है. तो वो करते हैं स्नॉट, ऐसे ऐसे करते हैं वो अपनी नाक को, तो दैट उनको रिलीफ मिले, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं अपने नेजल पैसेज को और जो है स्ट्रगल डाउन करते हैं इन द टाइट बेंड और जो है आगे अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं. तो एकदम से टेस्टन जो है गाड़ी रोक देता है. अब वो गाड़ी क्यों रोकता है वो अभी नहीं बताया हमारे को. टेस्टन गाड़ी रोकता है और गाड़ी में से उतर जाता है. ठीक है, अब जैसे ही वो उतरता है तो डैनियल भी उतर जाता है और कहता है स्नो. अब हुआ क्या है लेट मी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ समझा देती हूँ क्या होता है. तो ये रही ऑथर की गाड़ी. ठीक है, ये हमने गाड़ी बना दी तो उनके सामने एक ऐसी पूरा जो रास्ता होता है उस पे गई स्नो जमी हुई है. ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई थी उनके सामने. तो ये टेस्टन जो है ये गाड़ी से उतर गया और डैनियल भी गाड़ी से उतर गया कह के कि बर्फ़ जमी हुई है. तो ऑथर भी उतर जाते हैं, वो क्या करते हैं गाड़ी में बैठ के. तो अब ऑथर जो है क्या करते हैं और टेस्टन आगे जाने लगता है डैनियल भी, तो ऑथर कहते हैं मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ. अब काफ़ी आगे वो लोग चले जाते हैं और फिर जाके पता है टेस्टन क्या करता है, टेस्टन जो वहाँ पे आगे जाके जो सॉइल पड़ी होती है नीचे मिट्टी पड़ी होती है उसको उठाना शुरू कर देता है एंड डैनियल बताता है कि ये जो बर्फ़ जमी हुई है ये ज़्यादा डीप नहीं है, यानी कि इस बर्फ़ पे से हम गाड़ी लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये टूट जाएगी तो बहुत डीप है हमारे गिरने का खतरा है. नहीं, ये बर्फ़ जो है स्लिपरी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत फिसलन है इस पे, ऐसा डर है कि अगर हम इस बर्फ़ के ऊपर से अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि हमारी गाड़ी पलट जाए. समझ गए, ये बहुत फिसलन थी इस रास्ते में. तो इसलिए टेस्टन उतर के आगे चला गया और टेस्टन ने एक तरकीब निकाली, एक टेक्निक निकाली. उसने क्या करा, वहाँ पीछे से ना बहुत सारी सॉइल उठा ली. तो ऑथर ने भी सबने जो है सॉइल उठा ली और इस फिसलन वाले एरिया पे स्नो के ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी सॉइल डाल दी. ठीक है, मिट्टी डाल दी सो दैट जब इनकी गाड़ी इसके ऊपर से जाए तो फिसले ना. तो ये ट्रिक करी उन्होंने, जो इनकी फर्स्ट हर्डल था ये उनका क्या कि ये जो फिसलन वाला इलाका इनके सामने आया तो उसकी तरकीब इन्होंने क्या लगा ली, उसके ऊपर सॉइल डाल दी. तो ऑथर बताते हैं मैंने भी ऐसे ही करा, हम लोगों ने भी सॉइल डाल दी और फिर क्या करा जो है टेस्टन गाड़ी में बैठा और गाड़ी उतार के इस रास्ते से ले आया. तो ऑथर ने हमें ये भी बताया है कि जब जो है उन्होंने ये सॉइल डाल दी थी उसके बाद जब टेस्टन गाड़ी लेकर आया तो वो कहते हैं कि हम गाड़ी में नहीं बैठे, मैं और डैनियल, सो दैट गाड़ी पे लोड भी ना पड़े, यानी कि गाड़ी भारी भी ना हो, प्लस जो है टेस्टन को भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील ना हो कि अगर अकेले वो इस फिसलन वाले रास्ते पे से गाड़ी उतार के ला रहा होगा तो उसे इतना डर नहीं लगेगा, अगर हम दोनों पीछे बैठे होंगे तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होगी तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो जो है आराम से अब सॉइल गिरने के बाद इस फिसलन वाले एरिया पे टेस्टन गाड़ी आगे ले आता है एंड फिर ऑथर और जो उनके फ्रेंड है डैनियल दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं. तो आई होप आप लोगों को भी सब समझ में आएगा दैट उन्होंने ये कैसे करा होगा. तो करते हैं अब ऑथर बताते हैं 10 मिनट्स लेटर, बस अभी जो वो हुआ था उसके 10 मिनट बाद ही एक और ब्लॉकेज आती है हमारे सामने और टेस्टन कहता है नॉट गुड सर और फिर से जो है गाड़ी में से बाहर उतरता है, सर्वे करता है उस जगह को और फिर डिसाइड करता है कि अब की बार वो रुकेंगे नहीं और आगे निकल जाएंगे. बताते हैं दैट अब जो है काफ़ी सारे स्लोप्स आए, काफ़ी स्टीप स्लोप्स आए, काफ़ी पत्थर भी थे वहाँ पे, बट जो है
जो टेस्टन है नेगोशिएटेड विद इट, यानी कि टेस्टन जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाल लेता है एंड एक के बाद एक काफ़ी हर्डल्स आते हैं रास्ते में उनके, बट वो अपनी गाड़ी को आगे ले जाते हैं। तो ऑथर ये भी बताते हैं एक बार एक हेयर पिन बेंड डालते हैं, यानी कि हेयर पिन मतलब बहुत ही पतला सा कट आता है, वहाँ से भी उनको गुजरना पड़ता है। एंड फाइनली जो है वो बताते हैं आई चेक माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब द ब्राइट सनसेट। जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हैं ऑथर फिर से एक बार अपनी वॉच चेक करते हैं। तो एक बार पहले भी ऑथर ने अपनी वॉच चेक करी थी जब वो स्लिपरी वाले एरिया में रुके नहीं थे, तब भी उन्होंने वॉच चेक करी थी, वॉच टाइम देखने के लिए चेक नहीं करी थी। एक्चुअली में उन्होंने वॉच चेक करी थी अपना जो है हाइट देखने के लिए, वो कितनी ऊंचाई पर हैं। तो पहले वाली ऊंचाई जो है वो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जब वो स्लिपरी वाले एरिया पे थे तो क्या ऊंचाई थी। अब ये वाली मैं आपको बता रही हूँ, दैट ऑथर है बताते हैं दैट अभी जो थे हम 5400 मीटर्स की ऊंचाई पे थे एंड इस समय पे मेरा जो सर था उसमें बहुत जोर की जो है थ्रॉपिंग, यानी कि मेरे सर में दर्द सी हो रही थी बहुत तेज़, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे आपको ऐसी कुछ फीलिंग्स होती रहती हैं। तो ऑथर जो है पानी पी लेते सो दैट उन्हें थोड़ी रिलीफ मिले। एंड नाउ ऑथर बताते हैं हम फाइनली टॉप पे पहुंचते हैं एंड टॉप पे हाइट कितनी थी 5515 मीटर। एंड वो बताते हैं कि यहाँ पे जो है मार्क कर रखा था, यानी कि जो टॉप वाला एरिया था यहाँ पे एक लैंडमार्क बना हुआ था बाय कैंस ऑफ रॉक। नाउ व्हाट इज द कैंस ऑफ रॉक, तो कई जगहों पे जो है ऐसा लैंडमार्क सा बनाने के लिए पत्थरों को इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उसको कैन ऑफ रॉक्स बोला जाता है। फोटो में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है जहाँ पे ऑथर रुके हैं टॉप पे, वहाँ पे भी एक कैन ऑफ रॉक्स बने हुए हैं और वहाँ आसपास में वाइट स्किल के साफ्स टंगे हुए हैं और जो है टिबेटियन फ्लैग्स टंगे हुए हैं। बेसिकली तिब्बत के जो है एक ट्रेडिशन है, यानी कि ये जो ये वाला कैन ऑफ रॉक्स का जो ये स्ट्रक्चर है उसके आसपास में लोग क्लॉकवाइज टर्न लेते हैं, यानी कि उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका एक चक्कर लगाते हैं। तो ऑथर कहते हैं मैंने भी यही करा जब मैं यहाँ टॉप पे पहुँचता हूँ इस रॉकी स्ट्रक्चर के पास में, तो जैसा ट्रेडिशन है मैंने भी क्लॉकवाइज यहाँ पे जो है एक ट्रेडिशन है ये, मैं भी इसका एक चक्कर लगा लेता हूँ। और मीनवाइल जो है उनका ड्राइवर टेस्टन जो है वो गाड़ी को चेक कर रहा होता है और वो चेक करता है कि जो पेट्रोल टैंक है उसमें जो फ्यूल है वो एक्सपैंड हो रहा था इतने हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से, तो वो थोड़ा सा ढक्कन खोल देता है पेट्रोल टैंक वाली उसका। ठीक है, देखो यहाँ पे ही स्क्रू इट, यहाँ गिवन है हमारे को ही अनस्क्रूड द टॉप, तो हल्का सा अनस्क्रू कर देता है जिससे कि पेट्रोल जो है बहुत एक्सपैंड हो रहा था तो वो थोड़ा सा लिड अनस्क्रू कर देता है। तो अब ऑथर कहते हैं कि मुझे बहुत डेंजरस लग रही थी ये चीज़, तो जो है वो इनका जो टेस्टन है ड्राइवर है वो कहता है सर कोई बात नहीं आप चिंता मत करो, बस स्मोक मत करना, समझ गए कि अगर वो स्मोक करेंगे पेट्रोल के पास में तो आप समझ सकते हो क्या हो जाएगा। आगे मूव करते हैं तो ऑथर बताते हैं कि धीरे धीरे मेरा हेडेक कम होने लगता है एज वी कैरी डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। तो जैसे ही वो टॉप पे गए वो टॉप से नीचे उतर के आ रहे हैं, समझ गए, पहले टॉप पे पहुंचे वो टॉप से नीचे उतर के आ रहे हैं। तो वो कहते हैं जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे तो मेरा सर दर्द ठीक हुआ, जैसे जैसे कम हाइट पे आ रहे थे तो मेरा सर दर्द ठीक हो रहा था। और 2 बजे हम रुकते हैं, कहाँ पे रुकते हैं, लंच के लिए रुकते हैं। लंच में वो खाते हैं हॉट नूडल्स, ठीक है, नूडल्स खाते हैं इन अ लॉन्ग कैनवस टेंट, लॉन्ग कैनवस टेंट में बैठ के हॉट नूडल्स खाते हैं वो। तो गाइज ये हॉट नूडल्स ये कहाँ बैठ के खाते हैं एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज आई एम एक्सप्लेनिंग यू इस चैप्टर इन डिटेल, मैं एक भी चीज़ें मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो ऑथर जब नीचे उतरते हैं तो वो एक ड्राई सॉल्ट लेक वाले एरिया पे पहुँच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है लेक वगैरह ना सूख जाती हैं, तो ये एक एरिया है यहाँ पे पहले लेक थी अब वो लेक जो है सूख चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, ये लेक सूख गई, ठीक है, अब वहाँ जहाँ पे लेक सूख गई वहाँ पे सॉल्ट बहुत सारा एक्यूमुलेट हो रखा है एंड वहाँ पे बीच में जो है एक टेंट लगा हुआ है। ठीक है, वर्कर्स का टेंट लगा हुआ है, वर्कर्स क्या काम करते हैं, वो जो सॉल्ट इकट्ठा हो रखा होता है लेक का उसको जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं और ट्रकों में इधर उधर भेज देते हैं उनको। ठीक है, तो काम चल रहा है एक जगह पे, ठीक है, एक जो है लेक एक झील सूखी हुई है तो वहाँ पे नमकीन बहुत सारा नमक पड़ा हुआ है, तो उस नमक का क्या हो रहा है, नमक को फर्दर जो है इकट्ठा करके इधर उधर भेजा जा रहा है। तो वहाँ पे एक वर्कर्स का कैंप लगा हुआ है, उसी वर्कर के कैंप पे बैठ के जो है ऑथर क्या खा लेते हैं, नूडल्स खा लेते हैं। उन्होंने बताया नहीं है मैगी रामेन क्या खाया था उन्होंने, बस खा लेते हैं कोई सी नूडल्स हमारे ऑथर बैठ के खा लेते हैं, ये उन्होंने हमें नहीं बताया, बट ऑथर ने हमें थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ाई है यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो ऑथर बताते द प्लेट्यू इज पॉक मार्क विद सॉल्ट फ्लैट एंड ब्रैकिश लेक्स। तो जहाँ पे ऑथर वहाँ प्लेट्यू मैंने आपको बताया ना एक सूखी हुई लेक है और वहाँ पे नमक के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, काम चल रहा है वहाँ पे। तो वहीं पे ऑथर बताने हैं कि वहाँ पे टाइनी वेस्टेजेस उन्हें दिख रहे हैं, वेस्टेज मतलब छोटे छोटे निशान उन्हें दिख रहे हैं किसके, जो है तिब्बत के बॉर्डर पे था बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन। तो अब लेट मी एक्सप्लेन यू, ये ऑथर ने क्या बताया गया है, जो हमारा बहुत पहले अगर हमने ज्योग्राफी में पढ़ा, हमें 9th में पढ़ाया गया था ज्योग्राफी में, दैट बहुत पहले जो था हमारा एक बिग पीस ऑफ लैंड था जिसको गोंडवाना लैंड बोला जाता था, बट हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट हुई, कॉन्टिनेंट्स आपस में कोलाइड करे और ड्रिफ्ट अपार्ट करे,
उससे अलग अलग हमारे कॉन्टिनेंट्स बन गए थे। तो उस समय पे क्या हुआ था, जब हमारे दो कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराए थे, ठीक है, मैं फोटो लगा रही हूँ वहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये टेथिस सी थी, ठीक है, टेथिस ओशन था। ओशन का पानी कैसा होता है, ओशन का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है। तो ये जो टेथिस सी थी, जब कॉन्टिनेंट कोलाइड करे तो ये सरफेस के ऊपर आ गई थी। यहाँ लिखा है ना कॉन्टिनेंटल कोलिशन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, स्काईवर्ड मतलब ऊपर, जो सी ओशन पहले नीचे था वो कॉन्टिनेंट के ऊपर आ गया था इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल लेक्स, अलग अलग लेक्स की फॉर्म में आ गया था। और लेक कैसी थी, नमकीन पानी की, क्योंकि सी का वाटर ऊपर आया था। तो ऑथर यही कह रहे कि ये तिब्बत का जो बॉर्डर है जहाँ पे अभी वो थे, उनको वहाँ पे थोड़े थोड़े विस्टेजेस दिख रहे थे किसके, टेथिस ओशन के, क्योंकि वो जोग्राफर थे तो इसलिए उन्हें समझ में आ रहा था कि अच्छा ये वो जगह है यहाँ पे जो है सॉल्टी वाटर की लेक क्यों है, क्योंकि वो टेथिस ओशन था, वो जब ऊपर आया कॉन्टिनेंट के तो वो अलग अलग लेक्स में बन गया, और अब यहाँ जो सूखी हुई लेक वाले एरिया में वो बैठे हुए थे, वहाँ पर बहुत सारे नमक के पहाड़ थे। तभी वो क्या रेफर करते हैं उसको कि ये टाइनी वेस्टेजेस है किसके, टेथिस सी के। तो आई होप फोटो देख के आपको भी समझ में आएगा उन्होंने क्या रेफर करा है। तो वो लेक का पानी नमकीन क्यों था, क्योंकि वो टेथिस सी की लेक्स थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ऑथर हमें बताते हैं कि वहाँ जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ हाई वॉफ एक्टिविटी यानी कि बहुत जोर शोर से काम चल रहा था वहाँ पे, वो जो नमक के पहाड़ लगे हुए थे शोवल लेके यानी कि जो है औजार लेके, सब लोग जो हैं नमक को भर रहे थे बड़े बड़े ट्रक्स में, नमक इधर से उधर जा रहा था, ठीक है। एंड सबने सनग्लासेस लगा रखे थे क्योंकि हर जगह पे जो है ब्लू ब्लू ट्रक्स में नमक भर भर के जा रहा था, तो आंखों में नमक ना जाए तो सबने सनग्लासेस लगा रखे थे, और ठंड से बचने के लिए लॉन्ग शीप स्किन के कोट भी पहन रखे थे एंड सॉल इनक्रस्टेड बूट्स, बूट्स पहन रखे थे ऐसे जिससे नमक से उनके पैर भी खराब ना हो। तो वहाँ पे जो है वो जो सूखी हुई लेक थी वहाँ से नमक को जो है यूटिलाइज करा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, तो ऑथर बताते हैं आफ्टरनून में वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो एक स्मॉल टाउन पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है होर। एंड होर जो है ईस्ट वेस्ट हाईवे पे था किसके, ओल्ड ट्रेड रूट के, जो लहासा से कश्मीर को ज्वाइन करता था। ओल्ड ट्रेड रूट मतलब सिल्क रोड पे, लहासा क्या है, लहासा तिब्बत की कैपिटल है एंड कश्मीर यू नो दैट। तो वो उन्होंने बता दिया वो कहाँ पे लाया करा था, क्या, होर, ठीक है। तो ऑथर बताते हैं डैनियल जो था वापस चला जाता है क्योंकि डैनियल को लहासा जाना था, तो डैनियल एक ट्रक में बैठ के लहासा चला जाता है। एंड अब बस जो है टेस्ट एंड जो हमारे ऑथर थे वही थे, एंड कहाँ पे थे वो, अभी होर में थे। तो अभी जो है हमारा जो टेस्टिन है जो ड्राइवर है वो उतर जाता है गाड़ी से, एंड वो क्या करता है, वो एक टायर रिपेयर शॉप पे जो है टायर को ठीक करवा रहा होता है, बिकॉज इतने रास्ते में उनको इतने हर्डल्स थे, दो दो बार पंचर भी हो गया था उनकी गाड़ी की में, तो इस वजह से उनका जो टायर था वो बिल्कुल ही खराब हो चुका था। ऑथर बताते हैं दैट हमारे पास अब कोई स्पेयर टायर भी नहीं था, एंड अब जब उन्होंने अपना टायर को चेंज करा तो जो उनका टायर था ना जिससे अभी तक वो ट्रैवल करके आए थे, वो बताते हैं कि वो बिल्कुल बाल्ड हो गया था। तो बाल्ड हो गया था मतलब ये, अगर आप कभी टायर को देखोगे तो उस पर काफ़ी निशान होते हैं हमारे टायर्स के ऊपर, बट अगर आप टायर को बहुत ज़्यादा चलाते रहते हो तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो ऑथर का टायर ये सॉल्टी लेक पे चलने के बाद और जो है इतना सारा सफ़र करने के बाद टायर बिल्कुल ही बाल्ड हो चुका था। तो ऑथर अब जो है हमें होर के बारे में बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस होर में कैसा था। होर उन्हें बहुत ग्रिम और मिजरेबल यानी कि दुखदाई सी जगह लगी, उन्हें पर्सनली होर अच्छा नहीं लगा। वो बताते हैं कि होर कैसा था, बल्कि पास पास में हर जगह मिट्टी फैली हुई थी, डस्ट थी बहुत ज़्यादा, रॉक्स इकट्ठे हो रखे थे और बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ यानी कि वेस्ट एक्यूमुलेट हो रखा था होर में। और ये चीज़ उन्हें बहुत अनफॉर्चुनेट लगी, क्यों, बिकॉज लेक मानसरोवर जो इतनी रिस्पेक्टेड वाटर है तिब्बत का भी, लेक मानसरोवर के शोर पे ये टाउन था होर। उन्हें अच्छी नहीं लगी ये चीज़ कि ये जो लेक मानसरोवर इतनी रिस्पेक्टेड वाटर्स के पास में ये जो टाउन है होर ये इतना मिजरेबल है। ऑथर ने हमें ये भी बताया दैट लेक मानसरोवर की कितनी मान्यता है, दोनों ही बुद्धिस्ट, इवन इन एंशियंट हिंदू कॉस्मोलॉजीज ऑल्सो ऐसा भी कहा जाता है That जो ये लेक मानसरोवर है ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है किसका, हमारी फोर मेन रिवर्स का, कौन सी, इंडस, गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। बट एक्चुअली में जब ऑथर ने वहां देखा तो वो बताते हैं कि सतलुज है जो फ्लो करती है लेक मानसरोवर से, बाकी जो तीनों रिवर्स हैं हमारी वो कहां से आ रही हैं, वो हमारे माउंट कैलाश से आ रही है। तो ऑथर ज्योग्राफर हैं इसलिए हमें ये सब थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देते जा रहे हैं। तो अब ऑथर कहते हैं कि माउंट कैलाश मेरे बहुत पास में ही था और मैं बहुत ईगर था वहां जाने के लिए, बट मुझे टेस्टन कहता है कि हमें कुछ देर रुकना पड़ेगा। तो टेस्टन मुझे कहता है कि मैं होर के एक ओनली कैफे में जाके जो है चाय पी लूं। तो ऑथर जो है चाय पीने जाते हैं कैफे में, तो वहां पे भी वो बताते हैं कि वो कैफे कैसा था, वो बहुत ही पुअरली कंस्ट्रक्टेड था और वहां पे जो है बस ऐसी एक कंक्रीट को पेंट कर रखा था और वहां पे तीन ब्रोकन विंडो थी, तो कैफे काफी अच्छा नहीं था, ऐसा सा ही कैफे था। बट वो कहते हैं कि उस कैफे में एक चीज अच्छी थी, क्या, कि उन्हें लेक मानसरोवर का अच्छा खासा व्यू मिल रहा था। तो वो वहां जाके बैठ के चाय ऑर्डर करने ही वाले होते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे सर्व करने के लिए एक चाइनीज वेटर आता है। एक्चुअली में वो कौन था, वो एक चाइनीज मैन था
और यूथ था, यानी कि एक चाइनीज बॉय था, उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी चाइनीज की, और वो क्या करता है, ऑथर के टेबल को आगे साफ करता है, बट एक्चुअली में साफ वो एक बहुत ही ग्रीजी और गंदे से कपड़े से करता है। तो ऑथर कहते हैं साफ करने की जगह वो टेबल पे जब मेरे कपड़ा मारता है मेरा टेबल और ज्यादा गंदा हो गया, और फिर वो मुझे चाय लाकर दे देता है। तो ऑथर वहां बैठ के चाय पीते हैं और बहुत देर ऑथर वहां बैठे होते हैं, हाफ एन आवर तक बैठे होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, और कहते हैं हाफ एन आवर बाद मेरी सॉलिटरी दूर करने के लिए, यानी कि मेरा अकेलापन दूर करने के लिए टेस्टन आ जाता है और हम लोग जो है वहां से आगे बढ़ जाते हैं वेस्ट वर्ड्स आउट ऑफ द टाउन टूवर्ड्स माउंट कैलाश, यानी कि अब वहां से वो आगे बढ़ जाते हैं माउंट कैलाश पे जाने के लिए। तो ऑथर अब हमें बताते हैं, अब होर टाउन को वो क्रॉस कर चुके हैं, तो ऑथर बताते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस होर में बिल्कुल ही अलग था, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में था, यानी कि बिल्कुल अपोजिट था जैसा मैंने सुन रखा है पढ़ रखा है उससे। तो ऑथर बताते हैं कि मैंने पढ़ा है ट्रैवलर्स अकाउंट में, दो ट्रैवलर्स का नाम उन्होंने बताया, एक बताया है एक जैपनीज मॉन्क का, मॉन्क आपको पता होंगे कौन होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, तो एक जैपनीज मॉन्क थे जिनका नाम था इकाई कावागुची। तो उन्होंने बताया था कि जब वो 1900 में यहाँ लेक मानसरोवर पर आए थे तो वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे दैट उन्होंने उनकी आंखों में टीयर्स आ गए थे लेक मानसरोवर को देख के, इतनी पायस इतनी होली जगह थी ये दैट उनको तो रोना आ गया था लेक मानसरोवर को देख के। बट ऑथर कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। फिर वो बताते हैं कि एक और ऐसे ही ट्रैवलर थे स्वीडन के जिनका नाम था स्वेन हेडन, एक्चुअली में वो सेंटीमेंटल यानी पर्सन नहीं थे, यानी कि ऐसे सेंटीमेंटल वाले पर्सन नहीं थे, बिल्कुल भी इमोशनल टाइप के नहीं थे, बट वो भी लेक मानसरोवर को देख के उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, बट ऑथर के साथ ऐसा कुछ नहीं करते ऑथर। और बताते हैं हम रात हो गई थी और ऑथर कहाँ पहुंच गए थे, डार्चेन पहुंच गए थे, 10:30 बज गए थे। तो ऑथर गेस्ट हाउस लेते हैं और वहां गेस्ट हाउस में रुकते हैं, और ऑथर को बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया था क्योंकि होर में काफी डस्ट थी ना, ऑथर ने होर में इतनी डस्ट वगैरह थी, तो उससे जो ऑथर कहते हैं कि मेरे को और ज्यादा जुकाम हो गया था, प्लस जो हर्बल टी मैंने पी उससे भी मुझे आराम नहीं मिला, तो रात को ऑथर को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे ही ऑथर लेटते हैं सोने के लिए तो उनकी दोनों जो नाक है वो बंद हो जाती हैं। ऑथर कहते हैं मैंने सोने की कोशिश करी बट मुझे सांस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, तो जो है मैंने वॉच देखी अपनी और मेरे वॉच पे मैंने देखा कि मैं कितनी हाइट पे हूँ, 4760 मीटर्स पे। ऑथर कहते हैं राबू में भी इतनी हाइट थी और वहां भी मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी हर रोज, और आज भी मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बट फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ऑथर कहते हैं राबू में भी मुझे दिक्कत होती थी ऐसे ही मेरे साथ होता था, बट आज मुझे डर लग रहा है, ठीक है। तो ऑथर बताते हैं टायर्ड एंड हंग्री वो क्या करते हैं, अपने मुंह से सांस लेनी शुरू कर देते हैं, बट ज्यादा देर तक वो मुंह से भी सांस नहीं ले पाते क्योंकि जितनी देर आप मुंह से सांस लेते हो मुंह सूखने लगता है हमारा। तो ऑथर कहते हैं फिर मैंने अपनी एक नॉस्ट्रल से, यानी कि उनकी एक नाक खुल गई थी, उससे सांस लेनी शुरू कर दी, बट वो कहते हैं धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगने लगा था कि एक सांस से भी मेरे को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है, आई वोक अप एब्रिडली, यानी कि एकदम से वो उठ जाते हैं और उनको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही होती है दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है, उनकी चेस्ट उन्हें काफ़ी हैवी फील हो रही थी। आपको कभी कोल्ड होता होगा तो आप ये समझ सकते हो कि दोनों नाक बंद हो जाती है, एक नाक से सांस लो तो दिल भारी हो जाता है, ऐसे चेस्ट हैवी होने लगती है। तो ऑथर भी यही सब एक्सपीरियंस कर रहे थे और उन्हें जो है बार बार जैसे वो ले डाउन करते थे और सोने की कोशिश करते थे तो सेम रिजल्ट होता था, उनको डर लग जाता था और वो उठ जाते थे, ठीक है। तो ऑथर जैसे लेटते हैं उनकी नाक बंद हो जाती है, उनको सांस नहीं आती है, तो ऑथर बैठ जाते हैं। तो ऐसा 2-3 बार होता है और ऑथर कहते हैं कि मेरे को अंदर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज आ रही थी दैट जो है कुछ गलत हो रहा है, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो लेट जाएंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं उनको रात को सांस आनी ही बंद हो जाए, उनका दम घुट जाए और वो मर ना जाए। तो इसलिए बार बार ऑथर बताते हैं कि जैसे ही मैं लेट रहा था तो तुम मेरी दोनों नाक भर रही थी, बट जब मैं बैठ रहा था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो ये पूरी रात ऑथर ना सोते ही नहीं है क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो सोएंगे तो ऐसा ना हो कि उनकी दोनों नाक बंद हो जाए और वो सुबह उठ ही ना पाए। तो उस रात तो जो है डार्चन के गेस्ट हाउस में ऑथर नहीं सोते हैं, एंड सुबह जब जो है टेस्टन जो उनका ड्राइवर था वो उनको हॉस्पिटल लेके जाता है, हॉस्पिटल नहीं एक्चुअली में वो उनको एक मेडिकल कॉलेज में लेके जाता है डार्चन के, जो बिल्कुल ही अभी नया नया बना होता है और मोनेस्ट्री जैसा लग रहा होता है। तो ऑथर कहते हैं वो कैसा था, सॉलिड डोर था वहाँ का और एक लार्ज कोर्टयार्ड में खुला, वहाँ पे कंसल्टिंग रूम था और वो डार्क था, कोल्ड था, ऑक्यूपाइड बाय टिबेटियन डॉक्टर, वहाँ पे एक टिबेटियन डॉक्टर थे। और ऑथर कहते हैं मुझे जैसे मैंने सोचा था उन डॉक्टर ने कोई व्हाइट कलर का कोट और स्टेथोस्कोप ऐसा कुछ नहीं ले रखा था, उन्होंने बस एक नॉर्मल सा पुलोवर पहना हुआ था और जो है वुलन कैप पहन रखी थी, एंड वो मुझे चेक करते हैं। और मैंने जब उन्हें एक्सप्लेन करा कि मुझे रात को नींद नहीं आ पा रही है, मुझे डर लग रहा है, मेरी नाक बंद हो जाती है, तो उन्होंने बस मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और बोला कि तुम्हें जुकाम हो गया है और कुछ नहीं है। एंड फाइनली वो कहते हैं कि ये इफेक्ट है ऑल्टीट्यूड की, यानी कि इतनी हाइट पे आने का इफेक्ट है ये, मैं आपको कुछ दूंगा वो आपको ठीक कर देगा। तो ऑथर पूछते हैं क्या मैं कोरा कर पाऊंगा, ऑथर आए क्यों है माउंट कैलाश कोरा करने के लिए, तो वो डर जाते हैं अब कि कहीं मैं कोरा ही ना कर पाऊँ। तो जो है वो जो डॉक्टर है वो बोलते हैं यस यस यू विल बी फाइन, और जो
जो है वो एक ब्राउन कलर की पुड़िया दे देते हैं, किसको, हमारे ऑथर को, लिखा है ना ब्राउन स्टफ्ड विथ 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, स्क्रूज ऑफ पेपर मतलब पुड़िया बना के जो है वो डॉक्टर किसको दे देते हैं, हमारे ऑथर को। तो वो पुड़िया में दवाई बना के ऑथर को दे देते हैं, ऑथर बताते हैं कि वो दवाई लेनी शुरू कर देते हैं। और जैसे ही पहली एक उनकी ब्रेकफास्ट के साथ होती है, जिसमें एक ब्राउन कलर का पाउडर होता है जो बिल्कुल उन्हें सिनामन जैसा लगता है, हॉट वाटर के साथ वो लेते हैं। और जो है लंच टाइम में वो कहते हैं, और बेड टाइम के पैकेज, सुबह दोपहर रात तीनों टाइम की उनकी डोज थी। और वो कहते हैं जो दोपहर और रात वाली थी वो मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही थी क्या है, जैसे उसको तो उन्होंने कहा सिनेमन जैसी थी, बाकी दोनों मुझे ऐसा लग रही थी स्मॉल स्मॉल ब्राउन कलर की छोटी छोटी गोलियां थी, बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे शीप डंक हो। तो बेसिकली उनको पता नहीं था वो क्या है, बट वो कहते हैं मैंने खा ली वो और मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। तो जो दवाई दी थी ना टिबेटियन डॉक्टर ने वो वर्क करती है। और ऑथर आराम से कहते हैं कि उस रात को मैं आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग, लाइक अ लॉग की तरह सोने का मतलब बहुत ही चैन की नींद में जो है ऑथर सो गए। आई स्लेप्ट लाइक अ डॉग नॉट अ डेड मैन, यानी कि मैं मरे हुए इंसान की तरह नहीं, बहुत ही साउंड स्लीप मैंने ली। तो भैया कोल्ड तो उनका ठीक हो गया, तो ऑथर का कोल्ड बिल्कुल ठीक हो गया है। तो जब ऑथर का कोल्ड ठीक होता है तो ऑथर का ड्राइवर जो है टेस्टन वो कहाँ चला जाता है, वापस चला जाता है ल्हासा। ठीक है, तो अब जो है ऑथर अकेले है डार्शन में और उन्हें अपनी जर्नी करनी है, किसकी, माउंट कैलाश की जर्नी अब ऑथर को करनी है अकेले। ठीक है, तो जब जाते जाते टेस्टन बोलता है ऑथर को कि मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, अगर आप मर भी जाते, यानी कि कोल्ड वोल्ड की अगर आप मर भी जाते तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज आई एम अ बुद्धिस्ट, बट आई थिंक सो कि मेरे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं थी ये चीज़। तो वो रुकते हैं, ऑथर को जो है दवाई ववाई दिलवाते हैं और जब ऑथर ठीक हो जाते हैं तो टेस्टन वापस चला जाता है। अब ऑथर अकेले हैं डार्शन में और वो कहते हैं कि डार्शन ज़्यादा हॉरिबल नहीं लग रहा था गुड नाइट स्लीप के बाद, अब जब उन्हें रात को अच्छे से नींद आ रही थी तो उन्हें डार्शन इतना हॉरिबल नहीं लग रहा था। दो वहाँ पे अभी भी बहुत डस्ट थी और हीप्स ऑफ रबल, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए थे किसके, हमारे पत्थरों के, बट जो है अब उन्हें अच्छा लगने लग गया था डार्चन में। और उन्हें जो है डार्चन से हिमालयस की चोटियाँ भी दिखाई देती थी। ठीक है, और उन्होंने एक बताया उनको एक स्नो कैप माउंटेन दिखाई देता था, समिट दिखाई देती थी गुड़ला मंदता की। तो बेसिकली ऑथर हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं डार्चन को और वो कह रहे हैं कि ये जो टाउन था डार्चन, यहाँ पे कुछ रूडिमेंट्री जनरल स्टोर्स थे जहाँ पे चाइनीज सिगरेट मिलती थी, सोप मिलती थी और कुछ ज़रूरी सामान मिलते थे, प्रेयर स्ट्रिंग्स मिलती थी, फ्लैग्स होते हैं ना वो टिबेटियन फ्लैग्स वो मिलते थे। और वो बताते हैं कि जहाँ पे मैं रुका हुआ था मेरे गेस्ट हाउस में, उसके सामने जो कुछ लोग थे, मैन थे, कुछ आदमी लोग क्या कर रहे थे, बाहर खुले में पूल खेल रहे थे। पूल आपको पता है ना गेम, वो मज़े में पूल खेल रहे थे। तो उन्हें पूल एक इंडोर गेम होता है तो उन्हें काफ़ी अजीब लगता है कोई बाहर लोगों को पूल खेलता हुआ देख के। और वो एक्सप्लेन करते हैं कि उनके जो गेस्ट हाउस है उसके बाहर कहीं पर झरना सा बह रहा था, तो वहाँ पर जो है बहुत ही ठंडे पानी में लेडीज़ अपने बाल धो रही थी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे अपने डार्चन में रिलैक्स करने लगता हूँ, बट जो है मेरे को एक ड्रॉबैक था यहाँ डार्चन में, वो क्या था कि उस समय पे, जिस समय पे वो वहाँ गए थे, कोई भी पिलग्रिमेज के लिए विजिटर्स नहीं आ रखे थे, यानी कि कोई टूरिस्ट नहीं आ रखा था माउंट कोरा पे, यानी कि माउंट कैलाश पे कोरा परफॉर्म करने के लिए। और ऑथर को डर लग रहा था अकेले कोरा करने के लिए जाने के लिए। तो वैसे जो सीजनल होता था ना, जब यहाँ पे डार्चन में सीजन होता था माउंट कैलाश पे कोरा परफॉर्म करने का सीजन होता है, जब रास्ता खाली होता है तो लोग आ जाते हैं, जब रास्ते में बिल्कुल भी ब्लॉकेज नहीं हो तो लोग आ जाते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि अभी वहाँ पे सीजन से लगता है मैं पहले ही आ गया हूँ, वहाँ पे कोई भी नहीं था मेरे अलावा विजिट करने के लिए, तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी वहाँ पे। इनफैक्ट जब सीज़न होता है तो इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों के पास गेस्ट हाउस में जगह नहीं होती रुकने की, लोग अपने टेंट लेकर आते हैं, बट अभी माउंट कोरा पे जाने के लिए, माउंट कैलाश पे कोरा जाने के लिए कोई भी नहीं था और मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था। तो ये ऑथर की एक प्रॉब्लम थी दैट अभी वो डर रहे थे अकेले कोरा करने जाने के लिए। ठीक है, एक आफ्टरनून में मैं बैठा हुआ था कहाँ पे, चाय लेके अपनी, कहाँ पे, डार्चन के एक कैफे में, एक आधी कैफे हैं डार्चन में, ज़्यादा चॉइसेस नहीं है मेरे पास। तो मैं आराम से वहाँ बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि मेरे जो सेल्फ हेल्प प्रोग्राम था पॉजिटिव थिंकिंग का, वो मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑथर को गाइज वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से आए थे कोरा परफॉर्म करने के लिए माउंट कैलाश पे, बट उनको एक साथ ही नहीं मिल रहा था कोरा परफॉर्म करने के लिए, इसलिए वो थोड़े परेशान थे। और फिर बताते हैं मेरे को डर लग रहा था अकेले कोरा करने जाने के लिए। और इनफैक्ट वो ये भी बताते हैं कि द कोरा वॉज अ सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट्स वर लायबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। तो कोरा परफॉर्म करने का सीजन आता है क्योंकि वैसे जो है वहाँ पे बर्फ जमी होती है, तो वो कहते हैं इसलिए मैं अकेले अभी डर रहा था जाने में। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड बीन क्लियर, मुझे आइडिया नहीं था कि स्नो पर क्लियर हो चुकी होगी या नहीं हो चुकी होगी, इसलिए जो है मैं अकेला नहीं जा रहा था। प्लस जो है जो झरना था वहाँ पे उसके आसपास में बड़े मोटे मोटे टुकड़े थे बर्फ के, तो उसके देख के भी ऑथर को डर लग रहा था कि कहीं ऊपर की बर्फ नहीं सूखी हो, तो मैं अगर अकेले जाऊंगा तो कुछ जो है मैं फंस ना जाऊं, तो इसलिए ऑथर परेशान थे। और ऑथर कहते हैं सिंस टेस्टन जो है डार्चन से अब चला गया था, टेस्टन वहां नहीं था, तो वो कह रहे थे कि कोई और ऐसा नहीं था वहां डार्चन में जिससे मैं बात कर पाऊं, क्योंकि बाकी लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी और टेस्टन भी अब चला गया था, तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम हो रही थी। आंटी नॉर्बू, अब नॉर्बू कौन है, लेट मी टेल यू, नॉर्बू से ऑथर एक कैफे में मिलते हैं। वो कैफे कैसा था पहले ऑथर ने कैफे एक्सप्लेन कर
कर रहा है। कैफे स्मॉल डार्क एंड केवनस था, यानी कि एक गुफा जैसा सा कैफे था, स्मॉल था और बहुत डार्क था। उसमें बीच में एक मेटल का स्टोव रखा हुआ था। वॉल्स और सीलिंग उसकी वेदर थी इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक, और वॉल्स और जो जितनी भी सीलिंग थी उस पर प्लास्टिक लगा हुआ था अलग अलग कलर का, जैसे कि ब्लू, रेड एंड वाइट। तो ऑथर बता रहे थे कि वहाँ प्लास्टिक से जो है कवर कर रखा था दीवारों को, और वो बताते हैं कि प्लास्टिक आज के समय पे जो सिल्क रोड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्लास्टिक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है बाय द चाइना। ठीक है, तो ऑथर बस ऐसी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं दैट वो जो कैफ़े था उसको प्लास्टिक से सजा कर रखा था, कवर कर रखा था उस कैफ़े को प्लास्टिक से। तो ऑथर बताते हैं वो जो कैफ़े था उसमें एक सिंगल विंडो थी, उसी के पास में मैं बैठा हुआ था क्योंकि उस सिंगल विंडो में से लाइट आ रही थी और वो लाइट में मैं अपनी नोटबुक पढ़ पा रहा था और मेरे पास एक नॉवल थी टाइम पास करने के लिए, बिकॉज मैं वहाँ डार्चन में अकेला था। तो ऑथर वहाँ बैठे ही होते हैं दैट जो है उनके पास में नॉर्बू आता है और वो ऑथर की बुक देख के पूछता है आर यू इंग्लिश। ऑब्वियसली ऑथर के हाथ में इंग्लिश की बुक थी तो नॉर्बू आके पूछता है कि आप इंग्लिश हो, तो ऑथर कहते हैं येस। ठीक है, एंड जो है नॉर्बू टी ऑर्डर करके ऑथर के पास में ही बैठ जाता है और बात करनी शुरू कर देता है। तो ऑथर जब नॉर्बू को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हाँ वो भी है कोई आउटसाइडर है, यानी कि वो वहीं का आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो नॉर्बू के कपड़े देखते हैं उसने एक विंडचीटर जैकेट पहनी हुई थी और मेटल रिम्ड के स्पेक्टिकल्स थे उसके, जो वेस्टर्न लग रहे थे, टिबेटियन नहीं थे, वेस्टर्न लग रहे थे। तो वो समझ जाते हैं कि नॉर्बू यहाँ का नहीं है। तो जो है ऑथर पूछते हैं और नॉर्बू से तुम कहाँ के हो, तो नॉर्बू बताता है दैट वो टिबेटियन तो है बट अभी वो जो है बीजिंग में काम कर रहा है चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। तो ऑथर को लगता है कि अच्छा ये कोई एथनिक लिटरेचर के इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है तो ये किसी फील्ड वर्क से यहाँ आया होगा, कहाँ माउंट कैलाश पे आया होगा। तो नॉर्बू कहता है येस एंड नो, मैं यहाँ पे कोरा परफॉर्म करने के लिए आया हूँ। और जैसे ऑथर ये सुनते हैं कि नॉर्बू वहाँ कोरा परफॉर्म करने के लिए आए तो ऑथर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं। नॉर्बू जो है ना एक्चुअली में बहुत सारे पेपर्स लिख चुका है, एकेडमिक पेपर अकाउंट्स लिख चुका है ऑन द माउंट कैलाश कोरा, यानी कि क्या अलग अलग रूट्स हैं माउंट कैलाश कोरा करने के जाने के लिए, एंड अलग अलग बातें उसने आर्टिकल्स देखे हैं किस पे जो है माउंट कैलाश कोरा पे, बट एक्चुअली में उसने कभी कोरा परफॉर्म नहीं करा है। तो इसलिए वो आया है सो दैट वो एक्चुअली में खुद भी एक्सपीरियंस कर पाए दैट ये माउंट कैलाश कोरा कैसे करते हैं। तो इसलिए ऑथर जैसे आए हैं ना माउंट कैलाश कोरा करने के लिए वैसे ही ये नॉर्बू भी आया है। बट वेन द टाइम केम फॉर मी टू टेल हिम वॉट ब्रॉट मी टू डार्चन हिज आइज लिट अप। अब जब ऑथर बताते हैं उसको कि मैं भी जो है कोरा परफॉर्म करने हूँ तो नॉर्बू की आंखें में भी चमक आ जाती है और नॉर्बू कहता है वी कुड बी अ टीम। तो जैसे कि ऑथर परेशान थे ना अकेले कोरा करना वो भी नहीं चाह रहे थे, तो शायद नॉर्बू भी कोई विजिटर चाह रहा था कि उनके साथ मिल जाए सो दैट वो चले जाए। तो जैसे ही ऑथर बताते हैं कि मैं भी यहाँ कोरा करने आया हूँ तो नॉर्बू बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अरे हम तो टीम बन सकते हैं, टू अकेडमिक्स हु हैव एस्केप फ्रॉम द लाइब्रेरी। अकेडमिक्स मतलब दोनों ही एकेडमिक फील्ड के हैं, दोनों ही अपनी लाइब्रेरी छोड़ के कहाँ आए हैं, अलग जगह पर आए हैं माउंट कैलाश पे कोरा करने के लिए। तो वो कहता है कि अरे वाह हम तो एक अच्छी टीम बना सकते हैं। तो ऑथर भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पॉजिटिव थिंकिंग की स्ट्रैटेजी वर्क करी, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा, वो वाली स्ट्रैटेजी मेरी वर्क करी और मुझे एक साथी मिल गया माउंट कैलाश पे कोरा परफॉर्म करने के लिए। मुझे एक रिलीफ और मिली है जान के कि नॉर्बू उनके ही गेस्ट हाउस में रुका हुआ था और वो उनकी तरह ही इलिक्विप था, यानी कि उसको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी माउंट कैलाश पे कोरा करने जाने के लिए। एंड वो भी जो है ऑथर को बताता रहता है कि मैं इतना फैट हूँ, मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कैसे कोरा कर पाऊँगा, और बार बार मुझे याद दिलाता रहता है कि बहुत ही टायरसम वॉक है, आसान नहीं है कोरा करना, काफ़ी थक जाएंगे हम लोग। और जो है वो ये भी बताता है ऑथर को कि वो एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट नहीं है, यानी कि बुद्धिज्म को मानता नहीं है वो। ऐसे बुद्धिस्ट लोग तो जैसे अपनी मान्यता के लिए जाते हैं ना कि माउंट कैलाश का कोरा करेंगे, वो बस एक एंथुजियाज्म में आया है माउंट कैलाश का कोरा करने के लिए। तो ऑथर कहते हैं कि वैसे उन्होंने सोचा था कि वो एक धार्मिक से इंसान के साथ कोरा करने जाएंगे जिसकी बहुत मान्यता होगी, वो मतलब बहुत मानता होगा इस कोरा को, बट जो है वो खुश थे अब नॉर्बू के साथ कोरा परफॉर्म करने के लिए। तो अब जो है वो डिसाइड करते हैं जाते हुए कि वो जो जितना भी उनका लगेज है, अभी वो वहीं पर बैठ के बातें कर रहे हैं, तो नॉर्बू कहता है कि हम लोग एक अच्छे आइडियल कंपेनियन है और हम लोग जो है याक्स आपको पता है एनिमल्स होते हैं पहाड़ी इलाकों में, उनको जो है हायर कर लेंगे। नॉर्बू ऑथर को कहता है कि हम याक्स हायर कर लेंगे जो हमारा सामान जो है लेके चलेगा हमारे साथ में। और ये सुन के ऑथर कहते हैं ये मुझे गुड साइन लगा और मुझे समझ में आ गया कि नॉर्बू की कोई इंटेंशन नहीं है कि वो प्रोस्ट्रेटिंग अराउंड द ग्राउंड करके जो है अपना कोरा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब गाइस मैं आपको समझाती हूँ, आप लाइन रीड करो, ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ राउंड द माउंटेन। तो अगर आपने कभी देखा हो कि जब लोग परिक्रमा करने जाते हैं किसी भी तीर्थ स्थल पे, तो लोगों की अपनी अलग अलग उन्होंने मान रखा होता है, कई लोग चल के जाते हैं, कई लोग नंगे पैर जाते हैं और कई लोग जो है ऐसे लेट के जाते हैं। ठीक है, वो हर एक डिस्टेंस के बाद जो है ऐसे जो है ज़मीन पर लेट के जो है
मतलब बिल्कुल खड़े ही नहीं रहते पूरे रास्ते में, ऐसे ही लेट के अपना सर झुका के पूरा अपने बॉडी को ऐसे ग्राउंड पे लाए करके वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो जो है ऑथर को जो है रिलीफ मिलती है ये जानकर कि जो है इस मूवमेंट में जो है हमारा उनका जो फिर कंपेनियन था नॉनबू, वो अपना कोरा नहीं करने वाला है, वो उनकी तरह चल के कोरा करने वाला है। तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अब मैं और नॉनबू आराम से इकट्ठे कोरा करने जा सकते हैं। और जैसे ही वो जो है नॉर्बू को बताते हैं कि आई एम ग्लैड दैट तुम मेरे साथ चल के कोरा करने जाने वाले, तो नॉर्बू हंसने लगता है, कहता है कि अरे नहीं, मैं प्रोस्टेट स्टाइल में तो कोरा परफॉर्म कर ही नहीं सकता हूँ। और वो जोर जोर के हंस हंस के टेबल पर गिर जाता है, ऐसे यूँ टेबल पर ऐसे यूँ लेट के हंसने लगता है। और कहते हैं कि अगर वो चाहता भी जो है ज़मीन पर लेट के कोरा परफॉर्म करना, तो भी वो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी टमी बहुत ज़्यादा मोटी है। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो फाइनली हमारे ऑथर को कोरा करने के लिए उनका एक कंपेनियन मिल गया, जो एक कौन है, एक तिब्बतियन है जो चाइनीज इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, एंड वो भी जो है कोरा करने जाएगा हमारे ऑथर के साथ। और वो ही उतना ही इल इक्विप्ड है ऑथर की तरह, उसे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट दोनों अपना कोरा परफॉर्म करेंगे। तो विद दिस ये चैप्टर फुल ऑन कंप्लीट हो गया है। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सी यू मिल इन द कॉमेंट सेक्शन। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11 इंग्लिश, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, बहुत सारी प्लेलिस्ट गिवन है, जिससे आप क्लास 11 इंग्लिश का और बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ सकते हो। तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, 11th इंग्लिश के हर एक चैप्टर के, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने नोट्स, समरी, एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड करे हैं। तो इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।